दुबई में शोभा कंपनी कैसा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सैलरी कितना लगाता है। तो भाई इसमें हर कोई आ सकता है, शोभा कंपनी में काम मालूम है नहीं मालूम है, आपका सैलरी उसमें लगेगा। हेल्पर का सैलरी 900 प्लस ओवरटाइम प्लस आपका फूड देता है कंपनी, ठीक है। टेक्नीशियन का सैलरी 1400 प्लस ओवरटाइम प्लस फूड देता है, ठीक है। तो अगर आप एसी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल प्लम्बर हो, इस वीडियो का पूरा देखिए, मैं शोभा कंपनी के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना रहा है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दुबई में शोभा कंपनी कैसी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, मैं कमेंट चेक कर रहा था, वही कमेंट ही देखता हूं मैं, बहुत सारे लोग का कमेंट पे ही वीडियो बनाता हूं मैं, ठीक है। तो जो भी भाई का डाउट है वो कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट पे बताऊंगा शोभा कंपनी के बारे में। आप कौन सा कंपनी में आना चाहते हो उस कंपनी के बारे में पता करके आपको बताता हूं, ठीक है। तो शोभा कंपनी कैसी है, कितना सैलरी लगाता है, क्या एकोमोडेशन देता है, खाना पीना कैसा देता है, क्योंकि आप शोभा में आते हो तो आप खाना बना नहीं सकते, वहाँ पर आपको कंपनी खाना प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो लेबर का सैलरी कितना लगता है शोभा कंपनी में, टेक्नीशियन का सैलरी कितना लगता है, और मेंटेनेंस भी उसमें काम है, बहुत सारा मतलब शोभा कंपनी में काम है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का मैं बारे में बताऊंगा, शोभा कंपनी कैसा होता है, कितना सैलरी देता है, टाइम टू टाइम सैलरी देता है कि नहीं, खाना देता है कि नहीं, और इसका वैकेंसी कहाँ जाता है, हर मंथ वैकेंसी जाता है शोभा कंपनी का, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको दुबई में आकर के काम करना है, ठीक है। तो मैं हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन बताते रहता है, और जो लोग जो भाई दुबई आना चाहते हैं वो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो का पूरा देखिए, शोभा कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। शोभा कंपनी एक इंडियन कंपनी है, इंडियन इसका मैनेजमेंट है, हर एक चीज़ अच्छा है इसमें शोभा कंपनी का। सैलरी का बात करते हैं तो सैलरी कम लगाता है, प्लस इसमें ओवर टाइम आपका फिक्स रखा है, 2 घंटा 3 घंटा, ये साइड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका मान लो कि हेल्पर में सैलरी 900 प्लस ओवर टाइम प्लस खाना देता है, ठीक है, तो आपका ओवर टाइम कभी कभी नहीं चलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं शोभा कंपनी में काम करता हूँ या काम किया हूँ, इसमें ओवर टाइम नहीं चलता है कभी कभी। क्या होता है कभी कभी ओवर टाइम क्यों नहीं चलता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कभी कभी ओवर टाइम इसलिए नहीं चलता है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कभी कभी सामान नहीं रहता है, इसीलिए कभी कभी ओवर टाइम वो लोग नहीं चलाते हैं, बट मैक्सिमम आपका ओवर टाइम फिक्स रहता है बहुत सारे साइडों पर, ठीक है। आपका क्या होता है, काम हो या ना हो 3 घंटा ओवर टाइम फिक्स है, तो 3 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। बट शोभा कंपनी यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली जानता हूँ शोभा कंपनी में, बहुत सारे लोग काम किए हैं, ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं कि 900 अगर आपका सैलरी लगता है प्लस ओवर टाइम प्लस फूड, ठीक है, तो कभी भी आपका फूड लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो 900 प्लस ओवर टाइम आप जितना भी कमाओगे सब बच जाएगा, क्योंकि कंपनी आपको फूड देता है, ठीक है। ये हो गया हेल्पर का सैलरी, ठीक है। अगर आप कोई टेक्नीशियन में आते हो, मान लो आप कारपेंटर हो या बेल्डर हो या पाइप फिटर या कोई भी काम करते हो आप, इलेक्ट्रीशियन हो, तो उसमें आपका 1400 प्लस ओवर टाइम प्लस फूड, मतलब फूड आपका कंपनी ही देगा, आप खाना नहीं बना सकते, एकोमोडेशन में अलाउ नहीं है खाना बनाना, ठीक है। अगर आप खाना चोरी छुपे बनाते भी हो तो इस पर अगर पकड़े जाते हो तो कैम्बोस पकड़ेगा तो आपको फाइन मारेगा 200-300 दरहम का, मतलब इंडिया का 6000-7000 रुपया फाइन आ जाता है, ठीक है। तो आप बाहर से खा सकते हो या तो आपको फूड का पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका अगर 1400 भी सैलरी लगता है, 1200, 1400, 1800, 2000 ऐसे ऐसे सैलरी लगता है ये पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग के पास नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसका ज़्यादा सैलरी लगता है। जो लोग हेल्पर में आ रहे हैं उसका 900 प्लस ओवर टाइम प्लस फूड, इतना याद रखिएगा, हेल्पर का सैलरी इतना ही देता है शोभा कंपनी। देखो भाई, जो लोग दुबई में रहते हैं ना, जो लोग उस कंपनी में रहते हैं, उन लोगों से बात करो, ठीक है। मैं एक बात बोलूँगा, आप चाहे किसी भी कंपनी में चले जाओ, ठीक है, अगर आप उसमें काम करते हो ना, आप उस कंपनी को कभी भी खराब ही बोलोगे, ठीक है। मतलब 99% लोग जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी को खराब ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वही लोग उसी कंपनी में 10 साल 5 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जाओगे ना तो आपको क्या बोलेंगे वो लोग, भाई तुम कहाँ आकर फंस गया, कौन से कंपनी में आकर के फंस गया, इतना ख़राब कंपनी है, पैसा टाइम से नहीं देता, सैलरी टाइम से नहीं देता। लेकिन वही आदमी उसी कंपनी में 4 साल 5 साल से काम कर रहा है, ठीक है। तो लोगों के बातों में मत आओ, अगर आपको कमाना है पैसा तो आप शोभा कंपनी में जाओ यार। शोभा कंपनी इंडियन लोगों को अभी यूपी और बिहार में ज़्यादातर इसका इंटरव्यू चलता है, ठीक है। तो इंटरव्यू कहाँ चलता है, मैंने शॉर्ट वीडियो पर बताया हुआ है, जब भी इंटरव्यू चलता है मैं शॉर्ट वीडियो पर बताता है, या नहीं तो उसका मैं पोस्ट कर देता है इसी पर, ठीक है। या आप मेरा इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर आप जाकर के फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैं डेली डालते रहता है कहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, कैसे इंटरव्यू चल रहा है, कितना
सैलरी लगता है, ठीक है। तो शोभा कंपनी को मैं पर्सनली जानता हूँ भाई, इसमें मैं सेकेंड पार्टी के थ्रू जा कर के काम किया है, ठीक है। तो शोभा कंपनी बहुत अच्छी है, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जाओ काम करो यार, कोई टेंशन मतलब बहुत सारे लोग हैं जो शोभा कंपनी में 4 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। 10-10 साल हो गया शोभा कंपनी में काम कर रहे हैं, बिहार से और यूपी से ज़्यादा लोग उसमें भरे हुए हैं, ठीक है। तो शोभा कंपनी पर्सनली यार इंडियन लोग का बहुत हेल्प करता है और बहुत अच्छा सैलरी भी लगाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपका सैलरी लगेगा, ठीक है। तो आप लोग भी अप्लाई करो, कब इंटरव्यू आता है, कहाँ इंटरव्यू आता है मैं आपको बताएगा। अभी इंटरव्यू आया है, अगर आप बिहार से हो या यूपी से आप जा करके इंटरव्यू दो, मैं यहाँ पर लगा दे रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा कंपनी का वीडियो बनाऊं मैं, आप ज़रूर कमेंट कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, क्योंकि मैं बहुत हेल्प करता है आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाता है।